मल्टीफेस चॉपर, मल्टीफेस चॉपर जिसमें दो या दो से ज्यादा चॉपर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं मल्टीफेस चॉपर। इस टॉपिक में हम सिर्फ टू फेस चॉपर के बारे में बात करेंगे जिसमें दो चॉपर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए इसे टू फेस चॉपर बोलते हैं। अगर थ्री चॉपर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो थ्री फेस चॉपर बोलते हैं। दो इंडक्टर इसके साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज से इनपुट सप्लाई करते प्रोवाइड करते हैं और लोड के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। ये जो हमारे मल्टीफेस चॉपर होता है ये दो फेस में वर्क करता है। एक तो है इन फेस ऑपरेशन, एक है फेस शिफ्ट ऑपरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। इसमें क्या होता है कि दोनों चॉपर एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ इनको ट्रिगर किया जाता है, वो होता है इन फेस ऑपरेशन में। और जो इनकी ड्यूटी साइकिल अगर 30% है, अगर हम जो हमारी चॉपर्स की जो ऑन जो वो होते हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं गेट से, और जो उसकी ड्यूटी साइकिल अगर वो 30% है जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनके वेव फॉर्म्स को आउटपुट पे लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन फेस ऑपरेशन में। सोर्स वोल्टेज से हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ये जो करंट फ्लो होता है इनपुट से, जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा, और ये करंट दोनों चॉपर्स में जाएगा। इन दोनों के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे दोनों कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे, और यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 होगा और यहाँ पे जो करंट होगा वो I2 होगा। ये दोनों करंट इंडक्टर से पास होके लोड पे जाएंगे और जो लोड पे करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट। अगर ड्यूटी साइकिल 30% है हमारे, यानी कि जो कंडक्टिंग कंडीशन है हमारे चॉपर्स की अगर वो 30% है, तो अगर हम पहले बात कर रहे हैं इन फेस ऑपरेशन की। इन फेस ऑपरेशन में हम इसकी जो वेव फॉर्म्स है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले जो करंट वन है, जो चॉपर वन में जा रहा है वो क्या है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि 30% जिसकी ड्यूटी साइकिल है, ये ऑन टाइम है चॉपर का, जिसकी ड्यूटी ड्यूटी साइकिल 30% है, अल्फा 30% है। और ये जो पॉइंट है, ये जो ये शो करता है आउटपुट करंट को। यहां से हमारा जो करंट टू जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है, दोनों की ड्यूटी साइकिल 30% है, ये इन फेस में है, तो I2 के अक्रॉस भी वैसे ही करंट जाएगा जैसे कि I1, जितना I1 के अक्रॉस करंट जा, I1 जो चॉपर वन में जा रहा है, I2 चॉपर टू में जा रहा है, सेम करंट जा रहा है सेम टाइम में। और जो आउटपुट आएगा वो आएगा इन दोनों करंट का प्लस, I1 प्लस I2, यानी कि डबल आउटपुट करंट आएगा जो कि होगा 2I0, यानी 2IO आउटपुट करंट, जो कि 2 टाइम होगा। और ये शो करता है ऑन टाइम हमारे चॉपर का। जब I1 और I2 दोनों करंट 0 होंगे तो आउटपुट करंट भी क्या होगा, 0। अगेन जब ये फ्लो करेंगे 30% ड्यूटी साइकिल पे तो आउटपुट करंट उसी के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, और जब 0 होंगे तो अगेन आउटपुट करंट भी 0 होगा। इस तरह से ये वर्क करता है। ये तो था हमारा 30% ड्यूटी साइकिल पे इन फेस ऑपरेशन में। अब हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे जो कि है फेस शिफ्ट ऑपरेशन। अब हम देखते हैं अपना दूसरा ऑपरेशन जो कि है फेस शिफ्ट ऑपरेशन, यानी कि दोनों चॉपर्स को अलग अलग टाइम पे फेस शिफ्ट देना। सबसे पहले हम चॉपर वन को ट्रिगर करेंगे, थोड़े टाइम बाद चॉपर टू को ट्रिगर करेंगे। इस टाइम पे क्या होता है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो करंट वन है, I1 है, वो चॉपर वन से क्रॉस हो रहा है, चॉपर वन को ट्रिगर पल्स दी है, तो चॉपर वन से इस टाइम पे ट्रिगर पल्स गई है, चॉपर वन ऑन कंडीशन में है। लेकिन जो चॉपर टू है इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो चॉपर टू इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में रहेगा, जीरो रहेगा यहाँ पे। और जो आउटपुट करंट होगा वो क्या आएगा, चॉपर वन से आएगा क्योंकि ये ऑन कंडीशन में है, इसलिए जो चॉपर वन के क्रॉस करंट होगा वही सारा होगा लोड के क्रॉस,
यानी जितना करंट जॉपर वन में से पास हो रहा है उतना ही आउटपुट पे आएगा, ये ऑन टाइम पीरियड है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर हम चॉपर टू को ट्रिगर पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इस टाइम पे जो करंट वन है वो ऑफ रहेगा, यहाँ पे चॉपर वन में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और चॉपर टू से गेट से हमें ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जिससे चॉपर टू ऑन कंडीशन में आ गया और इसमें से आई टू करंट प्रोवाइड किया है, ये 30% ड्यूटी साइकिल, जितना आई वन को चॉपर वन को दिया था उतना ही चॉपर टू को दे रहे हैं। तो आउटपुट क्या से आएगी, आउटपुट भी जो चॉपर टू में से करंट फ्लो हो रहा है वही करंट आउटपुट पे आएगा, यानी जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही आउटपुट पे आएगा। इस तरह से हम फेज शिफ्ट देकर अपने आउटपुट पे जो करंट है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले चॉपर वन को ट्रिगर किया, फिर चॉपर टू को ट्रिगर किया, फिर चॉपर वन को ट्रिगर किया, फिर चॉपर टू को ट्रिगर किया, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आता है। ये आउटपुट वेवफॉर्म्स हमारे पास मिलती है, ये चॉपर वन का फेज शिफ्ट, पहले ये चॉपर वन की वेवफॉर्म है जो आउटपुट पे आई है, फिर चॉपर टू की, फिर वन की, फिर टू की। इस तरह से ये ड्यूटी साइकिल 30% पे जो हम वेवफॉर्म्स को वर्क करवा रहे हैं, अगर हम इस ड्यूटी साइकिल को 30% से 50% तक इंक्रीज कर दें तो उस टाइम पे क्या होगा, फेज शिफ्ट ऑपरेशन में ही जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 50% यानी कि जो चॉपर वन में से करंट फ्लो हो रहा है सबसे पहले 50% चॉपर वन में से होगा, सेम टाइम इंटरवल बाद वो जब चॉपर वन में से करंट फ्लो हो रहा था तो जो चॉपर टू का करंट था वो जीरो था, जब 50% ड्यूटी साइकिल कंप्लीट हो गई तो चॉपर वन में करंट फ्लो स्टॉप हो गया और चॉपर टू में कंडक्ट करने लगा, यानी कि चॉपर टू में करंट फ्लो होने लग गया। इस तरह से सबसे पहले चॉपर वन में से करंट फ्लो हो रहा है, फिर चॉपर टू में से करंट फ्लो हो रहा है, ये 50% ड्यूटी साइकिल पे है, यानी कि 50% पहले चॉपर वन वर्क कर रहा है, फिर चॉपर टू पे करंट फ्लो हो रहा है, फिर चॉपर वन पे हो रहा है, फिर चॉपर टू पे हो रहा है। तो आउटपुट करंट क्या आएगा, इन दोनों में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे आई वन करंट जो आउटपुट पे जाएगा, फिर आई टू करंट ये आउटपुट पे जाएगा, फिर आई वन करंट जो अगेन चॉपर ऑन हुआ था वो आउटपुट पे जाएगा। तो आउटपुट करंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कोई रिपल फैक्टर इसमें नहीं होगा। इसी तरह ही अगर ड्यूटी साइकिल को अगेन 50% अगर ड्यूटी साइकिल को हमने 60% तक इंक्रीज कर दिया है अल्फा एंगल को, तो इसका फेज शिफ्ट ऑपरेशन क्या होगा, जो करंट वन है वो चॉपर वन में से 60% ड्यूटी साइकिल तक फ्लो करेगा, लेकिन टोटल टाइम में से 60% तक फ्लो करेगा और 40% तक ऑफ कंडीशन में रहेगा, फिर 60% फ्लो करेगा और फिर ऑफ कंडीशन में रहेगा। आई टू करंट भी इसी तरह ही फ्लो करेगा, पहले जीरो रहेगा, फिर 60% फ्लो करेगा, फिर 40% तक ये जीरो कंडीशन में रहेगा और फिर से 60% ड्यूटी साइकिल तक ऑन रहेगा। अगर 60% ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज कर दिया जाए तो आउटपुट करंट तभी आएगा जब हमारे जो इन जो हमारे फर्स्ट करंट और सेकंड करंट दोनों फ्लो कर रहे हैं जिस टाइम पे, वो करंट हमारा आउटपुट पे आएगा। यानी कि ये वाली वेव इस टाइम पे करंट वन भी फ्लो हो रहा है, करंट टू भी फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट पे ये वाली वेव फॉर्म आएगी। इस टाइम पे आउटपुट करंट जीरो रहेगा, अगेन इस टाइम पे आई टू करंट फ्लो हो रहा है, आई वन करंट भी फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट करंट पे अगेन एक वेव आएगी। इस तरह से ये वेव्स बनती हैं, जो कि अगर हम 60% ड्यूटी साइकिल का हमारे जो सर्किट में है वो यूज हो रही है। इसकी जो हमारे मल्टीफेज चॉपर होता है इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होती हैं। इसकी जो एडवांटेज है वो ये होती है, जो इनपुट करंट होता है वो रिपल एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देता है लेकिन रिपल फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दो इंडक्टर्स, ये देखिए इसमें दो इंडक्टर्स, एक चॉपर वन के साथ एक चॉपर टू के साथ दो इंडक्टर्स का यूज किया गया है, और इसको एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा कम्यूटेशन सर्किट है।
एडिशनल इंडक्टर्स हैं और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक कंट्रोल है इसमें। और इंडक्टर का यूज करने से सिग्नल बल्की हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है और नॉइसी हो जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। यानी हमने जितने चॉपर्स यूज किए हैं उतने ही इंडक्टर भी यूज करने पड़ेंगे। ये टू फेस चॉपर है और हमें थ्री फेस चॉपर देखना है, तो थ्री चॉपर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये जितने भी हम चॉपर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये उतने ही फेस में वर्क करता है, और डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पे कि कितने परसेंट ड्यूटी साइकिल पे हमारे वेवफॉर्म्स वर्क कर रही हैं। ये है हमारा मल्टी फेस चॉपर। थैंक यू।